डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की यदि बात करें तो इससे पहले हम लोग तीन लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन तीन लेक्चर को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पर जाए और उन तीनों लेक्चर को सबसे पहले पढ़ें। हमने तीन जो लेक्चर हमारे बने हैं उन तीनों लेक्चर में, पहला जो लेक्चर हमारा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद में जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि जो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हेटरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी विषम नाभिकीय द्विपरमाणविक अणु। और विषम नाभिकीय द्विपरमाणविक अणु जो है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हेटरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, तो हेटरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की यदि बात करें तो जिसके अंदर जो डाय मॉलिक्यूल है यानी द्विपरमाणु के यानी किस डाय एटॉमिक फॉर्म में जो है वो दोनों डाय एटॉमिक अलग अलग नेचर के होते हैं उसको हम लोग हेटरो न्यूक्लियर डाय एटॉमिक यानी कि विषम नाभिकीय द्विपरमाणविक अणु कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है या इनका जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो होमो न्यूक्लियर के जैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसमें दोनों एटम एक जैसे नेचर के होते हैं, इसमें जो दो एटम होते हैं उसमें दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं। आगे बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर डिफरेंट डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल कार्य करता है। जिस नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है वह दूसरे नाभिक के कंपेयर में यानी उसकी अपेक्षा में परमाणु कक्षकों के प्रति अधिक अट्रैक्शन करता है, अधिक आकर्षित करता है। इस कारण से किसी भी ऊर्जा स्तर पर अलग अलग परमाणुओं का ऊर्जा का मान अलग अलग होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो एनर्जी लेवल अलग अलग हम बनाएंगे तो उसमें एनर्जी लेवल में उसके वैल्यू अलग अलग हो जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनकी कंडीशन है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेट सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी अप्रोक्सीमेट सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि एटॉमिक ऑर्बिटलों के में ओवरलैपिंग अधिक से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होना चाहिए। तीसरी कंडीशन की तरफ यदि हम लोग चलें तो हमारी तीसरी जो कंडीशन है इसके अंदर वो ये है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इंटर न्यूक्लियर जो एक्सिस होती है वो ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर्म में होना चाहिए, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सममिति के रूप में होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर वो दिया हुआ NO, NO जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। यदि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यदि हम लोग लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। इसको लिखें 1s2 2s2 2p4। इस तरीके से हम लोग दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख सकते हैं। अब इसके अंदर बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में कितने हो गए, 5, पहले में कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस अगले में कितने, 4 और 2 6, तो अगले में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर होता है 5 हो गया, और दूसरे के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम यदि बात करें तो इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी टोटल वैलेंस या टोटल संयोजकता कितनी हो गई, तो 5 और 6 कितने हो गए, टोटल वैलेंसी इसकी हो जाती है यहां पर 11। जब हम 11 की बात कर रहे हैं तो इसके बेसिस पर यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहां पर किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एनओ का। अब एनओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ने से पहले हम लोग एनओ का एमओ डायग्राम देखते हैं, तो हमारा बात होगी यहां पर किसका, एमओ डायग्राम ऑफ एनओ यानी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ, इसकी बात हो रही है एनओ। अब हम लोग एनओ यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ चल रहे हैं। चलो अब उसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम कैसे बनता है उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 1s। हम लोगों ने कहा कि जो एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी हम लोग जानते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले जब हम लोगों ने शेल बनाया उसकी तरफ चलते हैं, यहां पर सबसे पहले बात होगी किसकी, 1s की। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, 1s की। तो सबसे पहले बात होगी यहां पर 1s की। तो हम लोग जानते हैं कि 1s में यहां पर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में यहां पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बनाते हैं सबसे पहले 1s। जब हमने यहां पर लिखा 1s2, इधर भी क्या आ गया 1s2, इधर वाला पोर्शन है नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, राइट वाला पोर्शन ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब जब इनको रिप्रेजेंट किया गया तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन 1s आया, यानी पहला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, उन दोनों ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयरिंग कर दी। दूसरा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे सिग्मा 1s2 और इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2। तो ये तो हो गया हमारा 1s। आगे चलते हम 2s की तरफ, तो हमने बनाया यहां पर अब 2s। यहां पर बना दिया हम लोगों ने, क्या बना दिया 2s। 2s में नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ऑक्सीजन के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहां पर लिखे तो सिग्मा 2s2, इधर लिखेंगे तो सिग्मा स्टार 2s2। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की पहली हो जाए। आगे हम चलते हैं अब p की तरफ, तो हम यहां पर आगे इसकी तरफ p की तरफ। जब हम p की तरफ आ गए तो नाइट्रोजन के पी सब शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसकी बात की जा रही है, तो नाइट्रोजन के पी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और ऑक्सीजन के पी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं,
अब इसको एनर्जी लेवल के सीक्वेंस में हम लोग रखें, सबसे पहले यहां पर बात होगी सिग्मा 2pz की, फिर बात होगी पाई 2px की, और फिर बात होगी पाई 2py की। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का है, इन्होंने पहले देंगे। फिर यहां पर भी p के अंदर भी किसी तरीके से पहले देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन लगे। यानी अगला इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, यानी कि पाई स्टार 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और पाई स्टार 2py 0 हो जाएगा। आगे लिखे तो सिग्मा स्टार 2pz क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इस NO के, जो NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है, जो NO का मॉलिक्यूलर NO का जो डायग्राम बना है उस डायग्राम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एनर्जी सीक्वेंस के अनुसार, सिग्मा 1s2, अगला सिग्मा स्टार 1s2, नेक्स्ट सिग्मा 2s2, अगला सिग्मा स्टार 2s2, नेक्स्ट सिग्मा 2pz2, सिग्मा सॉरी अगला पाई, नेक्स्ट है पाई 2px2, अगला पाई 2py2, नेक्स्ट पाई स्टार 2px1। अब हम बात करेंगे किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की। फार्मूला क्या है, Nb-NA/2। बॉन्डिंग कितने हैं तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं तो देखो, एंटी बॉन्डिंग तो यहां पर देखें तो देखो 2, 2, 4 और 1, 5/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर निकल कर क्या आ जाता है, 2.5। तो जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया 2.5, वो किसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब यहां पर यदि हम इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण की बात करें, तो इसमें एक अनपैड इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह रहे हैं इसकी बात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की यानी कि चुंबकीय गुण की बात करें, तो एक अनपैड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका नेचर क्या हो जाएगा। देखो तो एक अनपैड इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम लोग जानते हैं कि नेचर क्या हो सकता है, तो अनपैड होने के कारण यह अनुचुंबकीय हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यह बात हमारे केस की हुई NO के मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात हो गई, क्लियर है। तो आपने यहां पर देखा NO का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इस NO के बाद बात होगी हमारी यहां पर CO की, बात हम किसकी कर रहे हैं, CO की बात करने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहां पर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। अब हम जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करने जा रहे हैं तो उसको हम समझते हैं। तो देखो हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है किसका, CO का। नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर टोटल 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p2, इसका लिखे तो 1s2 2s2 क्या हो जाएगा, 2p4। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे तो इसके अंदर 4 और इसके अंदर कितने होते हैं, 6, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, यहां पर 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाते हैं। अब जब 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए तो
हम पढ़ते हैं इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। जब एक तरफ हम यहां पर पढ़ेंगे, अब एक तरफ बात किसकी होगी, तो एक तरफ हम यहां पर पढ़ेंगे जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें डायग्राम कुछ इस तरह का ही बनेगा, चेंज क्या आएगा उसकी तरफ चले। एक तरफ हमारे पास में एक कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरी तरफ ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों के कॉम्बिनेशन होने पर CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब हम CO के मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने जा रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो चेंज क्या है, वो चेंज ये आ रहा है कि अभी तक हम लोगों ने यहां पर जो PZ था उसको नीचे बनाया था, तो चेंज क्या होगा कि जो PZ है वो ऊपर चला जाएगा और X और Y का आ जाएंगे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो इसको बना कर देखते हैं, इस तरीके से बना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तो आ गया हमारे पास में पाई टू पी एक्स, यहां पर पाई टू पी वाई, इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर सिग्मा टू पी जेड, इस तरीके से आगे ऊपर लिखना चाहे तो ऊपर भी हम लिख सकते हैं, यहां पर पाई स्टार 2px, अगले में पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो 1s2, यहां पर देखिए 2s2 और 2p2। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो 1s2, 2s2 और 2p4। अब 1s और 2s में एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो वो नाइट्रोजन सॉरी NO और CO में तो सेम होंगे, पर जाकर कहां चेंज आएगा, P में चेंज आएगा। तो देखो P में क्या चेंज आया, 1 2 3 4 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन देखे 1 2 3 4 5 6 हो गए, यानी यहां पर एंटी बॉन्डिंग जो रीजन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हम यहां पर NO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, सॉरी हम यहां पर किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं, हम यहां पर CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे देखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्लियर है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। आगे चले तो यहां पर आ जाता हम लोग क्या लिखा, पाई 2px2 फिर पाई 2py2 फिर आगे सिग्मा 2pz2। फॉर्मूला हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू Nb-Na बाय क्या हो गया 2। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो Nb कितना है उसकी तरफ चलो, देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, एने कितना है तो ये देखो 2 और 2 4 बाय 2, टोटल हम लोग लिखेंगे तो 6 बाय 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, क्या यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी यानी कि चुंबकीय गुण हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह प्रति चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, क्लियर है। ये तो बात हमारी किसकी हो गई, NO और CO के मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम की यहां पर बात हो जाती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं और कंपैरिजन करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, कि इन दोनों में क्या क्या कंपैरिजन है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो जब हम डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं, इनका डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं परमाणु कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यानी क्या हो गया कि जो टू एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका क्या होगा, तो उनका एडिशन होगा। तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणविक कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब जब एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं तो टू जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि यहां पर तो एडिशन हुआ तो डेफिनेटली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, यानी कि परमाणु कक्षकों के व्यकलन से इसका निर्माण होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह रहे हैं बॉन्डिंग में क्या होगा, एडिशन होगा, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। दूसरा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नोड प्रेजेंट हो भी सकते हो नहीं भी, तुम क्या कहेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, इसमें नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑलवेज क्या प्रेजेंट होगा, नोड हमेशा प्रेजेंट होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड ऑलवेज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इसमें इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उनमें क्या हो जाएगा, उनमें अट्रैक्शन होता है, उनमें आकर्षण होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में अट्रैक्शन ना होते हुए रिपल्शन हो जाएगा। तो इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, यानी एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु में प्रतिकर्षण होगा। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का फोर्थ पॉइंट, बॉन्डिंग का फोर्थ पॉइंट ये कि इसमें ऊर्जा संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जाओं से कम होती है, यानी इनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी उससे लेस होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी होती है। तो बॉन्डिंग में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में एनर्जी कम होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाती है। तो ये तो बात हमारी किसकी हुई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की यहां पर बात हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर एक और कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन है वीवीटी और एमओपी का, उस कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, किसकी बात हो रही है, वीवीटी एंड एमओपी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत तथा आणविक कक्षक सिद्धांत में तुलना कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इनकी तुलना कर रहे हैं, इनका डिफरेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो क्या हो, समानताएं की बात हो, किसकी बात हो, समानताओं की बात हो, यानी कि सिमिलरिटी की बात हो, यानी कि इनके अंदर क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सिमिलरिटी। जब हम समानताओं की बात करते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि वीवीटी और एमओटी दोनों ही कोवेलेंट बॉन्डिंग की व्याख्या करती है, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत दोनों जो है वह सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है, यानी कि बोथ थ्योरी यानी वीवीटी और एमओटी एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्डिंग, दोनों सहसंयोजक बंधों के बारे में बताती है।
दूसरी कंडीशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी है कि दोनों जो थ्योरी है यानी वीबीटी और एमओटी के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो समान ऊर्जा और समान सममिति वाले परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन होगा। तो जब भी क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जब भी ओवरलैपिंग होगी तो उनकी सिमेट्री, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या होना चाहिए, सेम, और उनकी एनर्जी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोगों ने बात करी यहां पर किसकी, तो वीबीटी और एमओटी के अनुसार जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो उन दोनों की सिमेट्री सेम होना चाहिए और उनकी एनर्जी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगली कंडीशन की बात करते हैं, नेक्स्ट है, दोनों ही सिद्धांत में कोवेलेंट बॉन्डिंग किस डायरेक्शन की बात करता है, तो डायरेक्शनल नेचर की बात करता है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि दोनों सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध दिशात्मक गुण के बारे में बात करता है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड तो हमारी होगी डायरेक्शनल नेचर, पहली की सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है, दूसरी जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सिमेट्री और उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था कि डायरेक्शनल नेचर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि सहसंयोजक बंध का निर्माण दोनों नाभिकों के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समान हो जाता है, यानी जब भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये तो कुछ इसके अंदर क्या थी, सिमिलरिटी यानी कि समानताएं थी। अब यदि हम बात करें कि इन दोनों में असमानताएं क्या क्या है, तो हम चलते हैं डिसिमिलरिटी की तरफ। अब क्या बात करें, असमानताएं यानी कि डिसिमिलरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर डिसिमिलरिटी की बात करेंगे कि वीबीटी और एमओटी में क्या क्या समानताएं नहीं हैं। पहली कंडीशन, वीबीटी के अनुसार अकॉर्डिंग टू वीबीटी केवल हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहिए। वीबीटी क्या कहता है कि केवल हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहिए, वीबीटी ये कहता है, जबकि एमओटी ये कहता है यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणुकक्षिक सिद्धांत ये कहता है कि हाफ फिल्डेड और फुल फिल्डेड ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हो जाता है, यानी खाली भी हो तो चलेगा, आधा भरा हो तो चलेगा, पूरा भरा हो तो भी चलेगा। तो वीबीटी ये कहता है कि केवल हाफ फिल्डेड ऑर्बिटलों का पार्टिसिपेशन हो जाता है, जबकि एमओटी ये कहता है कि हाफ फिल्डेड होगा, फुल फिल्डेड होगा या वैकेंट ऑर्बिटल होगा, सभी का पार्टिसिपेशन वहां पर हो जाता है। नेक्स्ट, एमओटी में पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कल्पना की गई, जबकि एमओटी क्या कहता है, वीबीटी की बात करते हैं और फिर एमओटी की बात करते हैं, तो वीबीटी ये कहता है कि जो सेंटर है, जबकि वीबीटी क्या कह रहा है, वीबीटी कह रहा है कि एक केंद्रित परमाणविक कक्षकों की बात हो रही, तो वीबीटी मोनो सेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर, जबकि एमओटी पॉलीसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता है। वीबीटी में रेजोनेंस का यूज किया जाता है, जबकि एमओटी में रेजोनेंस का कोई भी स्थान नहीं है। वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, जबकि वीबीटी के अनुसार ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन एमओटी कहता है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। एमओटी के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी आदि की बात कर सकते हैं, जबकि वीबीटी ऐसी बात नहीं करता। तो ये तो थी हमारी एमओटी और वीबीटी में कुछ समानताएं। इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सीओ और एनओ का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस,
और हमारा लास्ट पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन द वीवीटी एंड एमओटी, उसमें समानता और असमानताएं क्या थी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक का बटन आपको दिखाई दे रहा है लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।